शिक्षण संस्थानों में नामांकन में और पद सरकारी सेवाओं में सब के लिए उसको इस पर बहस हुआ था, इसको जजमेंट रिजर्व किया गया था। आज जजमेंट पर था केस। जजमेंट में ऑनरेबल डिवीजन बेंच जिसको अध्यक्षता कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी और हरीश कुमार सर थे उसमें, उनका ये हुआ कि भाई ये दोनों नोटिफिकेशन ये संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इनको उन्होंने सेट असाइड किया ये कहते हुए कि ये दोनों नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। तो जो क्या जो पहले का नियम है जो लागू रहेगा जी, पहले का नियम वही रहेगा। बिकॉज 1992 में इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि भाई आरक्षण 50% से एवं नहीं जाएगा और उसी के आधार पर अब तक वो चला रहा था। फिर रिसेंटली 2021 में मराठा आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया था कि कोई भी राज्य सरकार 50% के ऊपर कोई आरक्षण देगी नहीं। उसके बाद भी कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको गलत पाते हुए कोर्ट ने इस चीज को सेटिसफाइड कर दिया। राज्य सरकार ने नई दो कानून लाई थी शिक्षण संस्थानों और रोजगार संस्थानों में 49.5% जो आरक्षण सीमा थी राज्य में पहले उसको बढ़ाकर 65% की गई। तो हमने इसको चैलेंज किया था पटना हाई कोर्ट में ये कहते हुए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है और जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच इंदिरा साहनी के केस में जो लॉ जजेज की बेंच ने ये एक फैसला सुनाई थी कि 50% के सीमा निर्धारित जो आरक्षण का है वो कोई भी राज्य सरकार कभी भी वायलेट नहीं कर सकती। रिसेंटली 2021 में लक्ष्मण राव पाटिल केस में फिर से ये अपील किया गया, फुल स्टॉप किया गया, यहाँ तक कि कोई भी राज्य सरकार 50% के सीमा को आरक्षण का नहीं बढ़ा सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने दो नए कानून लाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिसको हमने चैलेंज किया और यही ग्राउंड लिया कि आर्टिकल 14-16 का वायलेट करती है और 50% जो सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था उसको भी ब्रीच कर रहा। आज फैसले में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यही फैसला सुनाया कि जो दो नए कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है और वो जो 50% सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसको भी वायलेट करती है। इसमें राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़ करके 49.5 से बढ़ा के 65% कर दिया था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में और पद सरकारी सेवाओं के लिए। उसको इस पर बहस हुआ था, इसको जजमेंट रिजर्व किया गया था। आज जजमेंट पर था केस। जजमेंट में ऑनरेबल डिवीजन बेंच जिसको अध्यक्षता कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी और हरीश कुमार सर थे उसमें, उनका ये हुआ कि भाई ये दोनों नोटिफिकेशन ये संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इनको उन्होंने सेट असाइड किया ये कहते हुए कि ये दोनों नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। तो जो क्या जो पहले का नियम है जो लागू रहेगा जी, पहले का नियम वही रहेगा। बिकॉज 1992 में इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि भाई आरक्षण 50% से एवं नहीं जाएगा और उसी के आधार पर अब तक वो चला रहा था। फिर रिसेंटली 2021 में मराठा आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया था कि कोई भी राज्य सरकार 50% के ऊपर कोई आरक्षण देगी नहीं। उसके बाद भी कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको गलत पाते हुए कोर्ट ने इस चीज को सेटिसफाइड कर दिया। राज्य सरकार ने नई दो कानून लाई थी शिक्षण संस्थानों और रोजगार संस्थानों में 49.5% जो आरक्षण सीमा थी राज्य में पहले उसको बढ़ाकर 65% की गई। तो हमने इसको चैलेंज किया था पटना हाई कोर्ट में ये कहते हुए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है और जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच इंदिरा साहनी के केस में जो लॉ जजेज की बेंच ने ये एक फैसला सुनाई थी कि 50% के सीमा निर्धारित जो आरक्षण का है वो कोई भी राज्य सरकार कभी भी वायलेट नहीं कर सकती है। रिसेंटली 2021 में लक्ष्मण राव पाटिल केस में फिर से ये अपील किया गया, फुल स्टॉप किया गया, यहाँ तक कि कोई भी राज्य सरकार 50% के सीमा को आरक्षण का नहीं बढ़ा सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने दो नए कानून लाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिसको हमने चैलेंज किया और यही ग्राउंड लिया कि आर्टिकल 14-16 का वायलेट करती है और 50% जो सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था उसको भी ब्रीच कर रहा। आज फैसले में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यही फैसला सुनाया कि जो दो नए कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है और वो जो 50% सीलिंग लिमिट